Let's talk about primer and primase. What is primer? Primer is short DNA sequence. Short sequence of DNA, RNA, or primase of the enzyme which makes or which helps in generating this primer. Okay? So, in E. coli are prokaryotes. Okay, this primase is called DNA G. Okay, तो ये जो primase होते हैं E. coli में, ये single polypeptide का बना होता है. Okay, DNA G. तो it is responsible for RNA primer synthesis. Responsible for RNA primer synthesis. ओके तो प्राइमर का साइज क्या होता है शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड बोला तो अब शॉर्ट सीक्वेंस होगा तो द साइज ऑफ दिस प्राइमर इज लेस देन 15 न्यूक्लियोटाइड्स ओके तो दोस्तों ये देखो ये रिप्लिकेशन फॉर्क है तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा फॉर एग्जांपल तो यहाँ जो प्राइमर बनेगा ये बनेगा आरएनए प्राइमर ये कौन बनाएगा ये बनाएगा प्राइमेस और इन प्रोकैरियोट डीएनए जी कहते हैं इसको ठीक है तो यहाँ से फिर बनेगा लीडिंग स्ट्रैंड ओके और यहाँ पे जब लैगिंग स्ट्रैंड में भी ये बनेगा 5' 3' यहाँ पे ओके लैगिंग स्ट्रैंड में और बीच में क्या आएगा ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आएगा ओके हर प्राइमर के बाद तो इसको हम कहेंगे लेगिंग स्ट्रैंड ओके तो ये प्राइमर जो है हमें आरएनए का बना हुआ है कैसे पता चलेगा क्योंकि ये रिफैम्पेसिन सेंसिटिव होता है एक इनहिबिटर होता है रिफैम्पेसिन ये इसका क्या होता है सेंसिटिव होता है आरएनए हमेशा ठीक है तो प्राइमर का क्या काम है प्राइमर का मेन काम है इट प्रोवाइड्स थ्री डैश ओ एच फ्री ठीक है फ्री थ्री डैश ओ एच क्यों चाहिए क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है आगे जब इलोंगेशन करते हैं आई ऑलरेडी सेड दैट द डीएनए पॉलीमरेज ओनली इलोंगेट इट डू नॉट इनिशिएट द डीएनए रिप्लिकेशन सो लेट्स टॉक अबाउट द सेम थिंग इन यूकेरियोट्स तो यूकेरियोट्स की अगर हम बडिंग यीस्ट के बारे में बात करते तो इसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आर प्राइमेस ओके सो इट्स ऑल्सो हिटेरोडाइम टेट्रामर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा पॉलीमरेज एंड दिस क्रिएट आर दिस जनरेट आर सिंथेसिस द आरएनए प्राइमर ठीक है तो लाइक दिस और उसके बाद कुछ न्यूक्लियोटाइड मैंने कहा था 40 न्यूक्लियोटाइड्स तक ये जाते हैं आगे तो उस 40 न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या कहते हैं आई डीएनए कहते हैं इनिशिएटिंग डीएनए तो फॉर एग्जांपल यहाँ प्राइमर बन गया आरएनए प्राइमर 15 न्यूक्लियोटाइड का ठीक है 15 न्यूक्लियोटाइड का बन गया तो ये 40 न्यूक्लियोटाइड तक आगे सिंथेसिस करेगा जब तक पॉलीमरेज स्विचिंग नहीं करेगा इसके बाद यहाँ से क्या करेगा पॉलीमरेज स्विचिंग करेंगे तो डेल्टा और एप्सिलॉन के बारे पास ये क्या करेंगे हैंड ओवर करेंगे पॉलीमराइजेशन के लिए ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे आई डीएनए ओके सो गॉट इट हियर ओके तो प्राइमर क्या होगा मतलब प्राइमर किस चीज का बनता है या क्या एस डीएनए एज ए प्राइमर आरएनए एज ए प्राइमर और प्रोटीन एज ए प्राइमर तो डीएनए एज प्राइमर तो डीएनए एज ए प्राइमर वी ऑफ यूज कर सकते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिज्म में फॉर एग्जांपल लेमडा फाज का हम एग्जांपल लेगा तो वो क्या करते हैं डीएनए एज ए प्राइमर यूज करते हैं फॉर एग्जांपल ये है लेमडा फाज ठीक है इसके पास भी कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा लेकिन वो सर्कुलर होगा ठीक है तो इट इंटर इंटू ए इकोली के जीनोम इसका जो जेनेटिक मटेरियल ये फाज इकोली में अगर ये इन्फेक्ट किया ठीक है इंटर
into an E. coli genome. ओके तो E. coli के जीनोम में जाने के बाद ये क्या करते हैं, E. coli के जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें ये इंटीग्रेट हो जाते हैं. ओके तो इंटीग्रेट होने के बाद ये क्या करते हैं, इसको ब्रेक करने का शुरू करते हैं. आहिस्ता आहिस्ता इसको जब ब्रेक हो जाएगा लाइक दिस, तो इसे ठीक है 5-phosphate 3-OH. तो ये 3- क्या चाहिए डीएनए पॉलीमराइजेशन को, तो 3-OH चाहिए. तो ये क्या करते हैं, ये देखो 5-phosphate इधर हेलिकेज को निकालते जाएगा, यहाँ से 3-OH था तो यहाँ से डीएनए बनते जाएगा. तो दिस इज हाउ दे यूज फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पे हेलिकेज आएगा. दिस हाउ दे यूज डीएनए एज ए प्राइमर. इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ प्राइमिंग भी कहते हैं. ओके सेल्फ प्राइमिंग भी कहते हैं. एंड इन सम ऑर्गेनिज्म दे ऑल्सो यूज प्रोटीन एज प्राइमर. ओके तो डीएनए एज ए प्राइमर तो यूज हो गया किसमें, हमने लैम्डा फाज में इसका एक एग्जांपल है 5X174 शायद 5X174 में भी होते हैं जिसमें क्या होते हैं सिग्मा रिप्लिकेशन भी होता है. ओके दे यूज हाँ M13 में भी होते हैं और दे यूज डीएनए एस ए प्राइमर यूज करते हैं. एंड अनदर ऑर्गेनिज्म सच एज एडीनोवायरस. एडीनोवायरस द जेनेटिक मटेरियल इज लीनर होता है इसका, ठीक है. तो दे यूज प्रोटीन एज ए प्राइमर. ओके तो इसका एक प्रोसेस है डीसीएमपी करके. डीसीएमपी एक प्रोटीन होता है 5-phosphate पी ए डीसीएमपी पे ऐड करने के बाद क्या होता है, ये सीरीन सीरीन थ्रियोनिन फॉस्फेटेज करते हैं. नो दिस टर्मिनल ऑफ प्रोटीन इज गोइंग टू बिहेव एज ए प्राइमर. तो यहाँ ये प्राइमर की तरह बिहेव करना पड़ता है. तो ये जो टर्मिनल प्रोटीन होते हैं पीटीपी, तो सीरीन रेसिड्यू होते हैं इस पे OH ग्रुप होते हैं, ठीक है. ओके सो दैट्स हाउ एडीनोवायरस यूज डीएनए यूज दिस प्रोटीन एज ए प्राइमर. तो आगे की ओर रेप्लिकेशन करते हैं.